हेलो गाइस, आज के हम लोग बात करेंगे एंड्रॉयड को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट। कि अगर पिछले वाले वीडियो में हमने जैसे देखा कि यल3मॉन की मदद से हम लोग एक लोकल नेटवर्क में एंड्रॉयड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसका डेटा कैसे निकाल सकते हैं, तो उसी का ये वीडियो है जो मैंने मेंशन किया था ओवर द इंटरनेट के बारे में। इसमें बताऊंगा, अगर आपने यल3मॉन सेटअप नहीं किया तो पहले वाला वीडियो देख लेना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई एम ब्लैक हैमर, यू आर वॉचिंग द डार्क टेक। सो लेट्स स्टेप इनटू इट। ओके, तो जल्दी से ओपन कर लेते हैं हमारा टर्मिनल। एंड टर्मिनल में हमें जाना है टूल्स में, तो सीडी डेस्कटॉप टूल्स एंड लेमन। तो मैं आ गया ls एंड मैं करूँगा मेरी सर्विस चालू, pm2 index.js, सॉरी स्टार्ट index.js। तो अगर आपने इसके इंस्टॉलेशन का वीडियो नहीं देखा तो आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट है, तो मैं जाके देखता हूँ ब्राउज़र में। हमें यहाँ पे ओपन कर लूँगा फायरफॉक्स एंड 127.0.0.1 एंड :22533 मैं कर दूँगा एंटर। एंड ये आ गए हम लोग यल3मॉन के पेज पे, तो लेट्स वेट। एंड ये हो गया ओपन, मैं कर लूँगा लॉगिन रूट एंड मेरा पासवर्ड। ये हो गया लॉगिन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन डिवाइसेस में कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे इसके साथ इंस्टॉलेशन में जो भी कोई प्रॉब्लम थे वो मैंने पिछले वाले वीडियो में सॉल्व कर दिए, वो आप देख लो। जावा का प्रॉब्लम हो गया या फिर फाइनलाइजिंग पे जो आपका यल3मॉन अटक जाता है, तो वो भी प्रॉब्लम मैंने सभी सॉल्व कर दिए। तो वो वाली वीडियो ज़रूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ अगर ऐसी नई नई चीज़ें आपको सीखनी है तो मेक श्योर आप हमारे कोर्सेज चेकआउट कर लो, हमारे वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे, साथ ही साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो आई होप, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका L3 प्रॉपरली इंस्टॉल होगा एंड लोकल नेटवर्क पे आपको उसको रन करना आ रहा होगा। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है portmap.io एंड हिट कर देना है एंटर। तो यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट कर देना है। अकाउंट क्रिएट करना काफ़ी सिंपल है, आप देख सकते हो रजिस्टर में। तो आपको यहाँ पे सिंपली आपका ईमेल देन लॉगिन ईमेल पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड डाल देना है, तो इससे हो जाएगा आपका इजीली कंप्लीट। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ डायरेक्टली लॉगिन। एंड जैसे आप लॉगिन कर दो, ये मैं पहले के रूल्स वगैरह कर देता हूँ डिलीट या ओके। कॉन्फ़िगरेशंस में जाएंगे हम लोग एंड इसे भी कर देंगे हम लोग डिलीट। ओके, तो अभी इस तरह से कुछ आपका पहला इंटरफेस होगा, तो आपको कॉन्फ़िगरेशंस में आ जाना है एंड डायरेक्टली यहाँ पे कर देना है क्रिएट न्यू कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी हम लोग इसमें पोर्ट फॉरवर्डिंग का यूज़ करने वाले। पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या होता है कि आपका पीसी डायरेक्टली आप एज अ वेब सर्वर नहीं यूज़ कर सकते, तो उसके लिए आपको पोर्ट फॉरवर्ड करने की ज़रूरत पड़ती है इंटरनेट को, मतलब इंटरनेट पे आपके वेबसाइट एक्सेसिबल होने के लिए। तो उसी तरह से हम हमारा लिसनर पोर्ट फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं दूंगा यल3मॉन। यहाँ पे ओपन वीपीएन रखना है एंड यहाँ पे प्रोटोटाइप सिलेक्ट कर दो TCP एंड यहाँ पे हिट कर देना है जनरेट बटन। तो जैसे ही जनरेट हो जाएगा ये, आपको यहाँ पे कर देना है डाउनलोड। तो डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये आ गया सेव फाइल, मैं कर दूंगा ओके। एंड यहाँ पे आ गया blackhammer.l3mon.ovpn। तो ये काम की ज़रूरत है हमें, ये आगे यूज़ होगा। एंड अभी हम लोग पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए portmap.io का ही यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन होगा आपके दिल में। तो देखो, पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए हमारे पास काफ़ी ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि हमारे पास हो गया ng-rock, servio.net। servio.net फिलहाल तो डाउन है साइड उसकी पिछले एक डेढ़ साल से, तो वो तो अभी अवेलेबल नहीं है। बट ng-rock या फिर आप portmap.io दोनों से कर सकते हो। तो आपके मन में अगर सवाल होगा कि हम लोग ng-rock से क्यों नहीं कर रहे, तो बेसिकली ng-rock आपको एक नया एड्रेस दे देता है हर बार। तो ये गलती से ओपन हो गया। तो ng-rock से क्या होगा कि एक आपको स्टेबल कनेक्शन नहीं मिलेगा, आप एक टाइम के लिए जब तक आप पहले ng-rock के टनल को कनेक्टेड हो तब तक सेम रहेगा, एंड उसके बाद जब आप डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करोगे तो वो डिफरेंट हो जाएगा। बट इसके बारे में ऐसा नहीं है, जब तक आप इस VPN को कनेक्ट करते हो ओपन VPN के साथ, तो इस फाइल में आपका सब कुछ स्टेबल रहेगा। तो मतलब आपका जो रिवर्स कनेक्शन है वो आपको अगर आप PC शट डाउन करके फिर से भी चालू कर देते हो तो फिर से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाने हमें अभी मैपिंग रूल्स में। मैपिंग रूल्स में हमें करना है क्रिएट न्यू रूल एंड लुक्स लाइक द नेट इज़ बिट स्लो, तो वेट कर लेते थोड़ा। एंड ये हो गया,
तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में आपका नाम आ जाएगा, जो भी नाम आपने कॉन्फ़िगरेशन को दिया है। पोर्ट टीसीपी रख देना है यहाँ पे, एंड यहाँ पे डाल देना है 5 times 2 2 2 2 2 2, एंड यहाँ पे आप ओके, ये आपको portmap.host और portmap.io दोनों में से चूज करना है। तो मैं होस्ट ही रख दूंगा एंड मैं कर दूंगा क्रिएट। तो अभी आप यहाँ पे देखो, ये हो गया हमारा टीसीपी टनल, जो कि फॉलो फॉरवर्ड कर रहा है ब्लैक हैमर ये वाला .portmap.host उसके 3528 वाले पोर्ट को, 222 मतलब 22 22 एंड 2 मतलब 5 times 2 के पोर्ट पे, जो भी इस ओपन वीपीएन के साथ कनेक्टेड है उसके साथ। तो अभी क्या होगा कि जो भी ट्रैफिक इस पे आएगा वो फॉरवर्ड किया जाएगा इस पोर्ट पे, एंड ये पोर्ट हमारा लिसनर है L3Mon का, यहाँ पे आ जाएगा। फिर देख सकते हो आप बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है। तो अभी हमें क्या करना है, इसे कर लेना है कॉपी यहाँ तक, एंड यहाँ पे आके आपको कर देना है पेस्ट, एंड साथ ही साथ आपको पोर्ट भी ले लेना है एंड इसे भी कर देना है यहाँ पे पेस्ट। मैं कर दूंगा एंटर बिल्ड, एंड आप देख सकते हो चालू हो जाएगा प्रोसेस, कंपाइलिंग APK, साइनिंग APK, वेरीफाइंग बिल्ड एंड फाइनलाइजिंग। तो अभी देखो ये तो यहाँ पे फाइनलाइजिंग पे अटक गया, तो जो प्रॉब्लम हमने पहले सॉल्व किया था तो वो अभी यहाँ पे आ रहा है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो पोर्ट लिमिट है, आपको सिंपली आ जाना है L3Mon की डायरेक्टरी में, एंड आप अगर ls करें यहाँ पे तो cd includes ls, एंड यहाँ पे apkbuilder.js है, तो आपको इसे करना है एडिट vi apkbuilder.js। तो आप अगर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करो, आप यहाँ पे देख सकते हो जहाँ पे पैच APK में पोर्ट अगर <2565 है तभी ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसी वजह से ये अटक गया है फाइनलाइजिंग में। तो अभी हम लोग इसे करेंगे चेंज, मैं यहाँ पे कर देता हूँ ये डिलीट, एंड 65555। तो आपको यहाँ पे इस तरह से एंटर कर देना है, मैं करूँगा इसको राइट एंड क्विट। अगेन आप कौन सा भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो, बस आपको apkbuilder.js को चेंज करना है। तो मैं करूँगा सर्विस को रिस्टार्ट, PM2 रिस्टार्ट ऑल, तो आप देख सकते हो ये हो गया रिस्टार्ट, एंड इसको भी हम कर देंगे रिफ्रेश, ट्राई अगेन, एंड ये आ गया। तो मैं इसे कर दूंगा बिल्ड, एंड वेट करते हैं हमारा बिल्ड कंप्लीट होने का। ओके, तो आप देख सकते हो कितने जल्दी से हो गया। तो मैं इसे कर लूँगा डाउनलोड, एंड इसका नाम है L3Mon.apk, तो मैं इसे कर दूँगा ओके। एंड हम लोग यहाँ पे चलते हैं अभी, यहाँ पे हम लोग cd डॉट डॉट करेंगे एंड मूव, तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, मतलब मूव कर देता हूँ डायरेक्टली। तो मैं इसे करूँगा डाउनलोड्स एंड L3Mon.apk .slash, तो यह आ गई हमारी फाइल इधर। आप देख सकते हो आप जैसे अब आप चाहो इसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप एक तो फिशिंग कर सकते हो या फिर सोशल इंजीनियरिंग का अटैक कर सकते हो, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सामने वाले को कैसे भेजना है। तो मैं इसे अभी मेरे फ़ोन में इंस्टॉल करके आपको बता देता हूँ जल्दी से, तब तक आप यहाँ पर देख लो डिवाइसेस में, यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन में कुछ भी नहीं है, तो मिलते हैं इंस्टॉल होने के बाद। ओके, तो मैंने कर दिया इसे इंस्टॉल पूरी तरह से, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने Python 3 के सर्वर के मतलब HTTP सर्वर क्रिएट किया एंड ट्रांसफ़र किया उसे। तो यहाँ पे L3Mon गेट का रिक्वेस्ट, एंड मैं यहाँ पे कर दूंगा इसे स्प्लिट वर्टिकली, तो मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो आपको क्लियरली दिखे। एंड आपको भी यहाँ पे कमांड लगानी है ओपन VPN, एंड जहाँ पे आपने स्टोर की थी आपकी L3Mon वाली फाइल, तो मेरे फाइल का नाम था blackhammer.opvn। तो ये रहा L3Mon वाला, आप इसे चेक कर लें आपका नाम क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे L3Mon है, तो मैं इसे कर दूंगा कनेक्ट एंड एंटर। तो वेट करना है आपको थोड़ा, एंड यहाँ पे आ जाएगा इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड। तो हम लोग अभी यहाँ पे फिर से आएंगे, इसे कर देंगे रिफ्रेश एंड जस्ट वेट फॉर अ बिट, एंड आपको यहाँ पे कनेक्शन दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आ गया है, आप देख सकते हो नेम कंट्री एंड ये जो IP आ रहा है, ये IP कुछ अलग है। तो मतलब अगर आप लोकल में कर रहे होगे तो 192.168 वगैरह ऐसा कुछ तो IP आ जाएगा। तो आप अभी यहाँ पे देख सकते हो 10.9.0.1, तो इस तरह से कुछ IP आता है आपका। पब्लिक IP जो होता है, दो टाइप के IP होते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक, अगर आपको नहीं पता तो पिछले वाले वीडियोज़ भी देख लो आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली डिवाइस का नेम आ रहा है, लास्ट सीन आ रहा है, एंड आप यहाँ पे
मैं कर देता हूँ इसे अनलॉक, ठीक है। तो अभी आप नेम में तो एक रैंडम आ रहा है, एंड कंट्री यहाँ पे अभी तक डिटेक्ट नहीं हुई थी। हम लोग सिंपली मैनेज पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, एंड आप देख सकते हो आप यहाँ पे डाउनलोड्स, फाइल एक्सप्लोरर, इंस्टॉल ऐप्स वगैरह आप बहुत चीज़ें कर सकते हो। तो नोटिफिकेशन लॉग भी है, तो यहाँ पे सभी नोटिफिकेशंस आते हैं। इन्फो में मैं अगर जाऊँ तो आपको यहाँ पे फर्स्ट सीन एंड लास्ट सीन दिखाता है। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ कॉन्टैक्ट्स में, एंड जैसे मैं अपडेट करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिक्वेस्टेड लिख के आ गया एंड क्यू में हो गया। तो वो तो जैसे ये अभी कॉन्टैक्ट्स वापस आएंगे तो आपको यहाँ पे सभी का सभी लॉग दिखाई देगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कॉन्टैक्ट्स आ गए हैं, एंड साथ ही साथ अगर मैं कॉल लॉग के साथ करूँ तो मैं इसे कर दूंगा अपडेट। एंड तब तक हम लोग चलते हैं क्लिपबोर्ड लॉग में। तो क्लिपबोर्ड ये आ गया हमारा कॉल लॉग। तो कॉल लॉग में भी मैंने ब्लर किया है पर्सनल सिक्योरिटी रीजंस के लिए, बट आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेटस में आउट, मिस्ड वगैरह, इन आउट सब दिखा रहा है। साथ ही साथ अगर आप कॉन्टैक्ट्स में आओ तो यहाँ पे आपको कॉल लॉग और एसएमएस लॉग्स वाले बटन है। साथ ही साथ यहाँ पे आ गया एसएमएस मैनेजर। तो मैं अगर करूँ इसे अपडेट, ये हो गया अपडेट। एंड तब तक हम लोग चलते हैं वाईफाई मैनेजर में। वाईफाई मैनेजर में इसे कर देते हैं अपडेट, इंस्टॉल ऐप में इसे कर देते हैं अपडेट। तो चलते हैं एसएमएस मैनेजर में। आई होप वहाँ पे, तो यहाँ पे और एक ऑप्शन है सेंड मैसेज का। तो आप यहाँ पे विक्टिम के फ़ोन से मैसेज सेंड कर सकते हो, तो उसके सिम से मैसेज जाएगा एंड उसे पता भी नहीं चलेगा इस तरह से। तो वाईफाई मैनेजर में देखते हैं अभी। तो कमांड्स जो है वो कभी कभी क्यू हो जाती है। तो अभी क्या होता है कि इतना दूर जाना होता है इसलिए क्यू होना जायज़ है। थोड़ा सा टाइम लगता है, एक 4-5 सेकंड का डिले, बट यहाँ पे आप देख सकते हो फाइल एक्सप्लोरर भी है, तो आपको यहाँ पे फाइल्स भी देखने को मिल जाएंगी सभी की सभी। देन डाउनलोड्स भी है। तो मैं अभी यहाँ पे आपको सब कुछ नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो फिर से डिलीट हो जाएगी। सो फॉर दैट रीज़न आप खुद एक्सप्लोर करो इसे। मैंने आपको बता दिया कि ओवर द इंटरनेट आप कैसे क्रैक कर सकते हो एंड कैसे किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हो। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको इंस्टॉलेशन की वीडियो चाहिए तो अगेन वो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, एंड वहाँ पे मैंने सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर रखे हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, एंड साथ ही साथ हमारे कोर्सेज भी चेक कर लेना। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।